बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भैया, बात आगे बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में रेवोल्यूशन के बारे में बात पढ़ी थी कि कितने टाइम में प्लैनेट्स जो हैं एक किस तरीके से घूम जा सकते हैं। अच्छा, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली जाके पहली वीडियो देखे पहले इसकी, ताकि समझ में ज़्यादा अच्छी तरीके से आए कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको याद किए नाम प्लैनेट्स को, और आगे हम लोगों को पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने आप लोगों की फरमाइश के ऊपर वीडियो अपने कहा था कि फेसबुक पर अपलोड करें, तो मैंने फेसबुक पे भी अपलोड कर दिए, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, तो काइंडली आके पेज को फॉलो करें ताकि वहाँ से भी आपको वीडियो वगैरह मिलती है, या आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोग का पैकेज नहीं होता यूट्यूब वगैरह पर कुछ बच्चों का, तो काइंडली वहाँ से भी आके पढ़ेंगे। अच्छा भाई, हमने रेवोल्यूशन की बात की थी कि यार कितने टाइम में वो क्या करता है, प्लैनेट जो है घूम के आते हैं अर्थ के गिर्द। अब हम बात करते हैं कि यार अपने ही एक्सिस में रहते हुए वो किस किस तरीके से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, कितने टाइम में रोटेट करते हैं, कौन सा प्लेनेट ज्यादा टाइम लेता है, कौन सा प्लेनेट ज्यादा टाइम लेता है रोटेट करने में। पहले हमने क्या पढ़ा, इसमें बड़ा मसला होता है कि यार समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो समझो, ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मरकरी है, ये हमारे पास जो है लेट से अर्थ। अब मरकरी जो है बहुत करीब है किससे, सन से, बहुत करीब, तो ये बहुत ज्यादा कम टाइम लेगा एज कंपेयर टू अर्थ, क्योंकि अर्थ अगर घूम के आएगा तो अर्थ को तो इतने बड़े राउंड में सर्किल में क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो अर्थ क्या ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, और मरकरी क्या लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन अगर रोटेशन की बात करूं, रोटेशन का मतलब ये है कि लेट्स से ये हमारे पास क्या है अर्थ है, ये अपने ही एक्सिस में घूम रहा है खुद ही खुद ही। हम बात कर रहे थे एक्सिस की रोटेट करने की। अच्छा, अब ये क्या है, अर्थ जो है अपने ही एक्सिस में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अपने ही एक्सिस में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मींस के रोटेट करने से क्या, जब अर्थ के सामने जब आता है, जब सूरज के सामने वाला हिस्सा जब आएगा तो क्या हमारे पास सुबह हो जाती है, जब अर्थ के पीछे वाला हिस्सा जब लेट से ये सामने आता है यहाँ पे सुबह हो जाती है। मीन्स ये रोटेट कर रहा है अपने ही एक्सिस में रहते हुए, मीन्स ये हिस्सा खुद ही खुद ही घूमता जाएगा, मतलब ये हिस्सा आपस में यूं करके घूमना है, ना कि सराउंडिंग में घूमना है किसके, सन के, अपने ही एक्सिस में घूमे। तो क्या ये रोटेशन है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी रोटेशन की, अब लाजमी नहीं है कि जो लेट से रेवोल्यूशन जो जो रेवोल्यूट करने में अराउंड द सन ज्यादा टाइम ले रहा है, वो भी क्या करेगा, वो ज्यादा टाइम लेगा क्या रोटेट करने में, तो मे बी शायद वो कम टाइम ले, तो इसको हमें देखना है सही तरीके से। जैसे मरकरी जो है 88 डेज लेता है अराउंड द सन घूमने में, लेकिन जो है कितने टाइम में क्या करता है, ये रोटेट कर सकता है अपने ही एक्सिस में, करता है ये, करता है 58 डेज के अंदर, 58 डेज में 15 घंटे, 15 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसमें कितना टाइम लेना है हमारे पास, 58 डेज लेता है, 15 घंटे और 30 मिनट के अंदर जाके क्या करता है, रोटेट करता है कहाँ पे, अराउंड द अपने ही एक्सिस में, मतलब अपने ही एक्सिस में, ऑन एक्सिस, अपने ही एक्सिस में घूमने में कितना टाइम लगाता है, 58 डेज, 15 घंटे और 30 मिनट के अंदर क्या करता है, एक राउंड पूरा करता है, एक राउंड पूरा करता है। उसके बाद हमारे पास जो बात करते हैं इसकी, वेनस की, वेनस जो है अराउंड द सन घूमने में कितना टाइम लगाता है, 224.7 दिन लगाता है, लेकिन 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 अपने ही एक्सिस में घूमने में कितना टाइम लगाता है, वो लेता है 243 डेज और 14 घंटे, 14 आवर्स। अपने ही एक्सिस में घूमने से 243 डेज लगते हैं और 14 घंटे लगते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं अर्थ की, अर्थ वैसे कितने घंटे दिन में रेगुलेट करता है अराउंड द सन, 365.25 डेज के अंदर, तो इसी तरीके से मीन्स हर साल के अंदर 24 घंटे नहीं होंगे, 24 घंटे से कम टाइम होगा, तो कितने मिनट है हमारे पास, कितने घंटे हैं टोटल, 24, वो थोड़ी 30,
23 आर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। ये 4 है या 40 आप तो चेक कर लेना। तो अच्छा भाई, तो कितने का टाइम लेता है ये? 23 घंटे, वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो ये होगा अर्थ का, कि अर्थ कितना टाइम लेता है। तो मैं इस पर एक मिनट देख लेता हूँ। ये 4 सेकंड ही है क्योंकि यहाँ पे 4.09 सेकंड है, तो ये हम इसको 4 सेकंड ही कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में क्या करता है ये? अपने ही एक्सिस में रोटेट करता है। मरकरी 58 डेज 15 घंटे 30 मिनट के अंदर, वेनस जो है 243 डेज के अंदर और 14 घंटे, अर्थ जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए 365.2 डेज के अंदर क्या करता है? रेगुलेट करता है। और 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड में क्या करता है? ये रोटेट करता है अपने एक्सिस में। उसके बाद हमारे पास आता है मार्स। मार्स जो है रोटेट करता है अपने ही एक्सिस के अंदर, वो करता है 24 घंटों के अंदर 24 आवर्स 37 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स। 24 घंटे 37 मिनट्स और 22 सेकंड के अंदर कौन रोटेट करता है अपने एक्सिस में? मार्स रोटेट करता है। अब सवाल पेपर में जो एमसीक्यूज आ रहा होगा वो ये भी आ सकता है, जैसे मैंने जो एमसीक्यूज पढ़े हैं हम लोग आगे टेस्टिंग करेंगे, तो उसमें ये भी सवाल था कि यार कौन सा ऐसा प्लेनेट है अर्थ के साथ साथ, अर्थ जो अर्थ के तकरीबन सेम टाइम में क्या करता है? रोटेट करता है अपने ही एक्सिस में। तो बाकी जो आगे हम जो आगे वाले पढ़ेंगे हम लोग, वो भी टाइम क्या है कम है उनमें भी, लेकिन ये जो है मार्स और अर्थ जो है एक जैसा टाइम दे रहा है। देखो यहाँ पे ये 23 आवर्स दे रहा है, ये 24 आवर्स दे रहा है, बाकी समय देखो 246 डेज है, यहाँ पे 56 है। तो मीन सबसे ज्यादा सेम टाइम कौन ले रहा है रोटेट करने में? अर्थ और मार्स। जिनसे हम अर्थ में रहते हैं तो वो अर्थ से रिलेट करता हुआ पूछेगा। तो ये दो प्लैनेट जो क्या करते हैं तकरीबन सेम टाइम में क्या करते हैं? रोटेट होते हैं। लेकिन अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो ज्यादा टाइम देते हैं, 365.2 डेज है, 65 है, यहाँ पे 687 डेज है, तो ये ज्यादा टाइम दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं किसके ऊपर? जुपिटर के ऊपर। जुपिटर क्या है? जुपिटर जो है सबसे ज्यादा कम टाइम लेता है, 9 घंटे 9 आवर्स 50 मिनट्स 50 मिनट्स और 30 सेकंड्स। तो 9 घंटे 50 मिनट 30 सेकंड कौन लेता है? जुपिटर लेता है रोटेट करने में। तो ये पॉइंट भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ये टाइम पूछा जाता है कि सबसे कम टाइम कौन लेता है? सबसे कम टाइम लेता है जुपिटर रोटेट होने में अपने ही एक्सिस के अंदर। उसके बाद जो ये चलिए नीचे वाली सीरीज होगी, अब टाइम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जुपिटर से स्टार्ट हुआ, भले बड़ा ही लेकिन ये क्या करता है? जल्दी जल्दी क्या करता है? रोटेट करता है। सैटर्न जो है, सैटर्न लेता है 10 घंटे अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे 14 मिनट्स 14 मिनट्स। उसके बाद आपके पास है यूरेनस, ये लेता है हमारे पास 16 आवर्स एंड 10 मिनट्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट 18 आवर्स नेपच्यून। तो 58 डेज 15 घंटे 30 मिनट लेता है हमारे पास मार्स। वेनस लेता है 2243 डेज और 14 घंटे, 23 आवर्स और 56 मिनट और 4 सेकंड कौन लेता है? अर्थ लेता है। अर्थ के तकरीबन सेम टाइम कौन लेता है, ले रहा होता है रोटेशन में? मार्स लेता है जो 24 घंटे 37 मिनट और 22 सेकंड लेते हैं। जुपिटर जो है सबसे कम टाइम लेता है सारे प्लैनेट्स में रोटेशन के अंदर, 9 घंटे 50 मिनट और 30 सेकंड, फिर 10 घंटे 14 मिनट, फिर 16 घंटे और 10 मिनट, फिर 18 घंटे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो कि नेपच्यून जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है रेवोल्यूशन के अंदर, मार्स जो है सबसे कम टाइम लेता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है? सबसे ज़्यादा टाइम लेता है हमारे पास रोटेशन के अंदर
आई थिंक वेनस 243 डेज के अंदर रोटेट करता है। और सबसे ज्यादा जो है जल्दी कौन करता है, 9 घंटों के अंदर जुपिटर है। अच्छा उसके बाद हम पढ़ते हैं सैटेलाइट के बारे में, हमारे पास कितने सैटेलाइट्स वगैरह हैं कि और किस स्पेसिफिकेशन वगैरह के साइज में कौन सा ज़्यादा बड़ा है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह मिलते हैं। अच्छा डिस्क्रिप्शन में काइंडली एक वो लिंक है, काइंडली एक वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें हम लोग। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।